आज हम बनाएंगे नमक पारे, और यहाँ पर मैंने 3 अलग अलग डिजाइन के नमक पारे शेयर किए हैं। और नमक पारे बिल्कुल मार्केट में जैसे खस्ता मिलते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही बने हैं। तो आप इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करिए और वीडियो को लास्ट तक देखिए। मैंने वो सारे टिप्स बताए हैं जिससे आपके नमक पारे जैसे मार्केट में बिल्कुल खस्ता हो। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 1 कटोरी मैदा ले लिया है, ये 200 ग्राम मैदा है। और जिस भी बर्तन से आप मैदा लें या जिस भी नाप से आप मैदा लें, उसका 1/4 ही आपको घी मोयन के लिए लेना है। यहाँ पर अब मैंने 1/2 चम्मच डाल दिया नमक, 1 चम्मच मैंने डाल दिया क्रश करके अजवाइन। और देखिए अब मैंने उसी कटोरी से 1/4 देखिए कटोरी में घी ले लिया है, और इसका अब हम मोयन दे देंगे। आप घी की जगह तेल भी ले सकते हैं। मोयन आपको अच्छे से इसमें डालना है जिससे कि आपके जो नमक पारे हैं वो बिल्कुल खस्ता बनेंगे। आप जितना भी मैदा या आटा लें उसका 1/4 आपको मोयन जरूर डालना है। और इस तरीके से लड्डू बनाकर देखें, अगर लड्डू बन रहे हैं तो आपका मोयन परफेक्ट है, नहीं तो आप थोड़ा घी और डाल लें। और इसके बाद हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके इसका एक बिल्कुल सख्त सा डो लगा लेंगे। बिल्कुल थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी एक साथ डाल देते हैं तो आपका आटा गीला हो जाएगा और नमक पारे क्रिस्पी और खस्ता नहीं बनेंगे। तो इसीलिए पानी थोड़ा थोड़ा करके डालें और एकदम इसका एक सख्त सा देखिए इस तरीके से एक डो लगा लें। देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इस तरीके से बिल्कुल भी ये स्मूथ नहीं है। और अब इसे हम 1/2 घंटे के लिए रेस्ट पे रख देंगे ढककर। तो यहाँ पर ये देखिए 1/2 घंटे हो चुके हैं, और फिर से हम इसे मसल मसल के इस तरीके से घोट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, तो यहाँ पर ये देखिए ये थोड़ा सा स्मूथ हो गया। और अब हम इसे ले लेंगे प्लेटफॉर्म पर, और यहाँ पर हम 3 मैंने आपको 3 डिजाइन के नमक पारे शेयर किए हैं, तो इसलिए हम इसे 3 बराबर भागों में बांट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और दो को हम उठाकर रख देंगे ढककर और एक ले लेंगे, और इसको भी अब हम 1/2 कर लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और इसका एक पेड़ा बनाकर इसे बेल लेंगे। बिल्कुल भी आटा और घी नहीं लगाएंगे। ये देखिए इस तरीके से हम इसे बेल लेंगे। ये देखिए लंबाई में और इतना पतला हमने इसे बेल लिया है। और अब हम इस पे थोड़ा सा घी लगा देंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे, सूखा मैदा। और अब इसके साइड्स को हम कट कर देंगे और एक रेक्टेंगल शेप की शीट निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से, और अब हम इसमें पतली पतली ये देखिए इस तरीके से लंबी लंबी स्ट्रिप्स काट लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सारी पतली पतली लंबी लंबी स्ट्रिप्स कट गई हैं। अब हम यहाँ से 5 स्ट्रिप्स को ऐसे उठा लेंगे, ये देखिए इस तरीके से जैसे मैं दिखा रही हूँ पिक्चर में, उठाकर और ये इसको ज्वाइंट कर देंगे दोनों तरफ से, और फिर इसे एक तरफ से ऐसे घुमा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, और एक साइड पे अब इसके हम पानी लगाकर दोनों को एक साथ जोड़ देंगे। ये देखिए जिस तरह मैं पिक्चर में दिखा रही हूँ, ये देखिए दोनों को इस तरीके से हम जोड़ देंगे। और ये देखिए एक डिज़ाइन हमारा ये तैयार हो गया, इसे अलग रख लेंगे। एक मैं फिर आप लोगों को दिखाती हूँ। ये देखिए इस तरीके से 5 स्ट्रिप्स उठाते हैं फिर से हम, साइड्स को दोनों को पकड़ के चिपका देते हैं, और फिर इसे एक तरफ से हम मोड़ते हुए ये देखिए दूसरे छोर पे पानी लगाकर इसे दूसरी तरफ लाकर ऐसे ये देखिए रोल करके चिपका देंगे। ये देखिए दूसरा भी हमारा तैयार हो गया। इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए सारे मैंने इसी तरीके से तैयार कर लिए हैं। अब दूसरा डिज़ाइन चलिए मैं आपको बताती हूँ। तो उस वो पूरी लोई हमको ले लेनी है इतना बड़ा देखिए, और इसे हम बेल लेंगे। बिल्कुल पतला बेलना है जैसे हमने पहले जो बेला था उसी तरीके से। ये देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ, ये देखिए इतना पतला बेलना है।
और अब हम इसकी पतली पतली सी स्ट्रिप्स काट लेंगे। ये देखिए इस तरीके से पतली पतली सारी स्ट्रिप्स काट लेंगे हम। ये देखिए इस तरीके से यहां पर जैसे मैं दिखा रही हूं, और ये जो साइड का है इसे हम फिर से उसी आटे में डाल देंगे और फिर से हम यहाँ पर चार चार स्ट्रिप्स ये देखिए इकट्ठा कर लेंगे और इन्हें साइड से ऐसे देखिए सब प्रेस कर देंगे और फिर उसी तरीके से हम इन्हें भी मोड़ लेंगे एक तरफ से। ये देखिए इस तरीके से, और देखिए इसे अब हम रख कर इस तरीके से मोड़ते हुए चले आएंगे। और ये जो साइड्स में थोड़ा बराबर नहीं था ना साइड का, तो इसे हम तोड़कर जो फालतू आटा है निकाल देंगे और इसे ये देखिए ऊपर चकली के ऊपर इस तरीके से प्रेस कर देंगे। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, और बीच में हम एक काली मिर्च लगा देंगे जिससे ये दिखने में बहुत अच्छा लगे। तो यहाँ पर देखिए मैं एक और आपको दिखाती हूँ। इसी तरीके से मैंने चार स्ट्रिप्स ले ली हैं और ये देखिए ये पूरा बराबर है और इसमें बड़ी सी चकली बनकर तैयार होगी। आप देखिएगा अभी, ये देखिए इस तरीके से हम इसे राउंड करते हुए लास्ट तक ले आएंगे और फिर ये जो है लास्ट में इस पे ऊपर थोड़ा सा पानी लगाकर हम इस पार्ट को ये इस तरीके से ऊपर चिपका देंगे और एक काली मिर्च रखकर हम उसे अच्छे से दबा देंगे। ये देखिए इस तरीके से, इसी तरीके से हम सारे तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए आठ उस डिज़ाइन की है, आठ आठ दोनों तैयार हो गई हैं। चलिए अब हम आपको तीसरा डिज़ाइन बताते हैं। तो उसके लिए भी हमने जो लुई ली है जितनी बची थी उसको हम बेल लेंगे लंबा सा। तो यहाँ पर ये देखिए इतना लंबा और इतना बड़ा मैंने बेल लिया है, थोड़ा मोटा भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस पे अब हम घी लगा लेंगे और थोड़ा सा सूखा आटा डाल देंगे। ये देखिए, और इसे देखिए ये इस तरीके से आधा आधा मोड़ देंगे हम और फिर इसके ऊपर हम घी लगाएंगे। और सूखा आटा डाल देंगे और फिर हम इसे हाफ हाफ फोल्ड कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से, फिर हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे थोड़ा सा सूखा आटा डालकर, फिर हम इसे मोड़कर और इसे अब हम लंबाई में ही बेल लेंगे थोड़ा सा चौकोर। तो यहाँ पर ये देखिए, अब फिर हम इस पे क्या करेंगे, घी लगा देंगे। आप घी की जगह तेल भी लगा सकते हैं, इससे क्या होगा ना आपके नमक पारे में बहुत सारी लेयर्स आ जाएंगी और वो एकदम खस्ता बनेंगे। फिर हम इस तरीके से इसे मोड़कर और थोड़ा सा इसे हम पतला कर लेंगे बस। यहाँ पर देखिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरीके से इसे लंबा लंबा हमें बेल लेना है और उसके बाद इस तरीके से इसमें पतली पतली स्ट्रिप्स हम काट लेंगे। ये देखिए, आप चाहें तो आप छोटा भी कर सकते हैं, इसे छोटी स्ट्रिप्स भी काट सकते हैं। और जो हमने इसमें घी लगाया है ना अंदर, तो जब अभी हम इसे फ्राई करेंगे ना तो ये बिल्कुल खुलकर एकदम अंदर से खस्ता करारे वो सारी लेयर्स खुल जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर ये तैयार हो गए हैं। ये देखिए मोटा इतना ही रहेगा ये, और चलिए अभी इसे हम फ्राई कर लेते हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने तेल रख दिया था गर्म होने के लिए और इसे चेक कर लिया है। नमक पारे फ्राई करते समय तेल को ज़रूर चेक करें क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर ये देखिए तेल थोड़ा गर्म था, इसमें मैंने डाल दिए नमक पारे और इसे अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर अच्छे से ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। आप देख रहे हैं ना कैसे लेयर्स इसकी खुलकर आ रही हैं। ये देखिए यहाँ पर ये हो चुका है, इन्हें अब हम निकाल लेंगे। और इसी तरीके से जो हमने अलग दूसरे डिजाइन का बनाया है उसे भी हम फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए ये भी एक आपको दिखा देती हूँ। फ्लेम यहाँ पर आपकी मीडियम टू लो ही रहनी चाहिए, बहुत हाई फ्लेम पर बिल्कुल भी फ्राई ना करें, नहीं तो ऊपर से तुरंत ये लाल हो जाएंगे और फिर ये अंदर तक पकेंगे भी नहीं और खस्ता भी नहीं बनेंगे।
तो ये देखिए इन्हें भी अच्छे से चलाते हुए फ्राई कर लें। देखिए इनका भी कलर बिल्कुल चेंज हो गया है, तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए तैयार हो गए हैं हमारे सारे नमक पारे, तीनों डिजाइंस। तो ये देखिए तीनों अलग अलग तरीके के नमक पारे बिल्कुल बनकर तैयार हैं और बहुत ही खस्ता बने थे। और आपने देखा ना कि इनको बनाना कितना आसान है, तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छी सी रेसिपी के साथ, तब तक के लिए बाय।